गुड गुडर एवरी वन नाउ एम स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक एम बी ओ सो एम बी ओ मीन्स मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव सो एम बी ओ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई पीटर एफ डकर इनटीन फिफ्टी फोर में इसको पीटर एफ डकर ने इसको दिया था इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन एफिशियंसी एफिशियंसी को बढ़ाने के लिए पीटर एफ डकर ने इसको दिया था किसको एम बी ओ को सो एम बी ओ डेफिनेशन क्या हो गई एम बी ओ की एमबीओ इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर जो होते हैं और सबॉर्डिनेट मीन्स टॉप लेवल से सारी लेवल पर जो मैनेजर होते हैं ज्वाइंटली वर्क करते हैं एक साथ अब कैसे वर्क करेंगे पहले तो वो गोल्स का आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन गोल्स एंड उसके बाद क्या करेंगे ईच इंडिविजुअल को वेजर एरियाज पे मतलब सबके गोल्स को डिवाइड कर देंगे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ठीक है उसके बाद क्या करेंगे और इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय रिजल्ट एमबीओ को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट कहते हैं डेल्डी में कौपनी ने ऐसा कहा था ठीक है सो आई एम स्टार्टिंग एम बी ओ प्रोसेस फर्स्ट वन एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड रिविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देर आर थ्री टू पार्ट इन स्टेप थ्री सेटिंग गोल्स फॉर सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट सेट गोल फॉर हिमसेल्फ एंड मेजर फॉर हिज ऑब्जेक्टिव सो आफ्टर दैट फोर्थ वन इज ज्वाइंट एग्रीमेंट ऑन सबॉर्डिनेट गोल्स फिफ्थ फीडबैक ऑन इंटरम रिजल्ट एंड नॉक आउट द अनइम्पॉर्टेंट गोल्स जो भी हमारे अनइम्पॉर्टेंट गोल्स हैं फालतू के जो हमारे गोल्स हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे हटा देंगे ऑर्गेनाइजेशन से उसके बाद रिव्यू करेंगे सबॉर्डिनेट के गोल्स को जो सबॉर्डिनेट ने अचीव करे होंगे इसके बाद रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल अब हम इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव देखेंगे हम पर अगर कुछ भी गलत है है तो करेक्टिव एक्शंस लेंगे कैसे क्या उसको हम हम कर सकते हैं ठीक है? में, है, में देखते हैं सब के गोल को सेवन में देखते हैं परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन गोल को फर्स्ट स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल हम पहले क्या करेंगे अपने गोल्स को क्लैरिफाई कर देंगे और जो कॉमन गोल है उसकी तरफ अपना न्यू स्टेप स्टार्ट करेंगे ठीक है जहां पर जो सारे सुपेरियर और सबॉर्डिनेट साथ में वर्क करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे रिविजन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे हम उसको अचीव करें मीन्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड अप्रोप्रिएट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मे बी मेड चेंज इन टाइटल ड्यूटी अब हम उसको डिपार्टमेंट के थ्रू मतलब डिवाइड कर देंगे और रिवाइज करेंगे एक मतलब गोल हमने जो लिया है एक कॉमन गोल जो हमने चूज कराया है ऑर्गनाइजेशन का वो ठीक है कि गलत है ठीक है उसके बाद करेंगे सेटिंग गोल फॉर सबॉर्डिनेट के लिए मतलब डिवाइड कर देंगे गोल्स the superior subordinate manager should should be informed general objective plan premises and strategic of the company and subordinate subordinate should complete their own tasks in the organization ठीक है तो सेटिंग गोल्स हम गोल्स सबॉर्डिनेट के लिए पहले सेट कर देंगे उसके बाद सबॉर्डिनेट सेट गोल फॉर हिमसेल्फ अब सबॉर्डिनेट अपने लिए गोल्स को खुद देखेंगे कि भाई कैसे कैसे डिवाइड करना है टास्क के थ्रू

स्ट्रक्चर हो रहा है तो थ्रू आउट द टाइम पीरियड विद वॉट इज टू बी कम्पलिश शुड बी कम्पेयर मतलब यहां पर बैच मार्किंग हो रही है अल्लाह अपनी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल आई है तो उसको हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस परफॉर्मेंस से और अगर कुछ भी गलत है और जहां पर मतलब नीड है इंप्रूवमेंट की वहां पे इम्प्रूव करेंगे और न्यू स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे आफ्टर दैट नॉकआउट आउट अनइम्पॉर्टेंट गोल्स को हम नॉकआउट कर देंगे जो भी अनइम्पॉर्टेंट हमारे गोल्स हैं रिव्यू ऑफ़ रिजल्ट ऑफ सबॉर्डिनेट उसके बाद हम सबॉर्डिनेट के रिजल्ट को रिव्यू करेंगे भाई उन्होंने कैसे क्या अपना फीडबैक दिया है और जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने प्ले की है और जो भी लगाए अपने एफर्ट्स उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव और एक गोल को अचीव करने के लिए हम उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे करेक्टिव एक्शन देंगे अगर कुछ भी गलत है तो सो थैंक यू एवरी